अभी मैं शिव मंदिर के पास हूँ। मेरे पीछे जो मंदिर है वो शिव मंदिर है, और ये मेरे गांव में है, विश्वनाथपुर में है। वैसे तो ये मंदिर बहुत पॉपुलर नहीं है, बट ये मेरे गांव में, इसलिए मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो वीडियो को एक लाइक कर देना गाइस। और मेरे गांव में टूरिस्ट डेस्टिनेशन और भी है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा बाद में। मेरी तबीयत भी सही नहीं है, उसके बावजूद गाइस मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ, तो इसलिए एक लाइक तो ज़रूर बनता है गाइस, एक लाइक कर देना। ये मेरे घर से बिल्कुल नज़दीक में, वॉकेबल डिस्टेंस में है, पर मैं बाइक से आया हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ पूरा, ये जो मंदिर है शिव जी का मंदिर, मैं आप लोगों को पूरा टूर कराता हूँ, ठीक है? तो चलो जल्दी से मंदिर की ओर। देख सकते हो गांव का रास्ता कितना मस्त रास्ता है, दोनों तरफ पेड़ ही पेड़ है, आपको ज़्यादा हरियाली देखने को मिलेगी। और ये बोर्ड आप देख सकते हो, उड़िया में लिखी हुई है, उड़िया भाषा में, तो आप तो पढ़ नहीं पाओगे, बट फिर भी आप देख सकते हो मंदिर है। एंट्री की ओर चलते हैं। वो सामने में फ्रंट में मेरी बाइक है, मैं यहाँ पे आके काम करता हूँ क्योंकि मेरे घर में नेटवर्क नहीं आती है। और ये देखो, ये है मंदिर, क्या शिव जी की मंदिर है, ठीक है? देख सकते हो कितनी शांति है गांव में गाइस, शांति बहुत ही होती है, इसीलिए लोग प्रेफर करते हैं। अगर आप लोगों को शांति चाहिए तो आप गांव में आओ, अगर आपको शोर शराबा चाहिए तो आप शहर में जाओ। एंड ऑब्वियसली शहर में बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती है, उसके बारे में अपन बाद में डिस्कस करेंगे। तो आप देख सकते हो मेरी लैपटॉप है, मेरी बाइक है, सुजुकी जिक्सर SF, एंड ये लैपटॉप है। यहाँ पे मैं आके काम करता हूँ क्योंकि मेरे घर में नेटवर्क नहीं आती, नेटवर्क की बहुत इशू है। सो गाइज, ये वेल बनाई गई है, कुआं जिसको कहते हैं हिंदी में, तो यहाँ पे आप बाल्टी से पानी निकाल के हाथ वगैरह धो के देना, आप मंदिर में एंट्री मारोगे। और ये मंदिर का डिज़ाइन आप लोग गाइज देख लो, मैं चारों तरफ से आप लोगों को दिखा रहा हूँ मंदिर की इंफ्रास्ट्रक्चर। और ये नंदी बनाई गई है क्योंकि ये शिव जी की टेम्पल है, तो ऑब्वियसली नंदी जी का होना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो मैं आप लोगों को पूरा कवर कराता हूँ। मंदिर अभी बंद है, मंदिर सुबह खुलती है एंड शाम को खुलती है। सो मैं आप लोगों को गेट हालांकि मैं खोल सकता हूँ, बट खोलने की क्या ज़रूरत है, मैं आप लोगों को शिवलिंग दिखा दूंगा। और ये रही नंदी हमारी, मंदिर को डेली पूजा किया जाता है, पंडित जी आते हैं पूजा करते हैं। और ये अंदर आप देख सकते हो शिव जी की लिंग बनी हुई है। सो गाइज, यहाँ पे बहुत ही शांति आपको मिलेगी, यहाँ पे आके आप बैठ के पूजा कर सकते हो, इवन आप आराम से बैठ सकते हो, ताज़ा ताज़ा हवा आपको आता है क्योंकि चारों ही तरफ से मंदिर ओपन है, तो आपको बिल्कुल रिलैक्स फील होगा। जितनी भी आपकी थकान है वो सब यहाँ पे आके दूर हो जाएगी। गाइज देखो ये जो नज़ारा है, ऐसा नज़ारा आपको कहीं और देखने को मिलेगा नहीं, गांव में ही आपको देखने को मिलेगा, शहर में ऐसा चीज़ कहाँ देखने को मिलता है। शहर में आपको वही शोर शराबा, गाड़ी का आवाज़, ये वो, बहुत सारे शोर शराबा के बीच में इंसान जो है ना पागल हो जाता है, तो उसको रिलैक्स चाहिए। रिलैक्स के लिए इंसान टूर पे जाता है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन खोजता है शहर में, बट गांव में टूरिस्ट डेस्टिनेशन लोगों को खोजने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि गांव में हर जगह आपको शांति मिलेगी। और यहाँ पे मंदिर है, आप लोग अगर मेरे घर का व्लॉग नहीं देखा है, और उड़ीसा में और बहुत सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वो अगर नहीं देखा है, तो आप लोग जाके मेरे मो उड़ीसा वाली प्लेलिस्ट को आप चेक कर सकते हो, वहाँ पे मैंने बहुत सारी वीडियो को अपलोड कर रखी है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। साथ ही साथ मैं बेंगलुरु, गोवा, मुंबई, पुणे, चेन्नई, हर शहर विजिट कर रहा हूँ और उसकी वीडियोस को अपलोड किया हूँ और कर रहा हूँ, तो आप लोग जाके वो वाली प्लेलिस्ट भी देख सकते हो। और ये मंदिर गाइज आपको कैसा लगा आप नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताना, ठीक है? सो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।